25 लाख का सवाल, 25 लाख के मामला आने के बाद कहीं ना कहीं आप सक्रिय हुए हो। देखिए 25 लाख की जो बात कर रहे हो वो नालों की सफाई के लिए है और उसी के लिए मैं चेक करने के लिए आज निकला था, तो ये अभी काम भी चल रहा है और आज इनके जो दिन में इन्होंने काम किया अभी तक वो भी चेक किया जाएगा। तो इनके पास भी जो नाला है उसका भी देखा था, तो उसका भी ये अभी टेंडर किया हमने, या क्या करेंगे, कर दिया टेंडर, तो उम्मीद है कि वहाँ भी जो है ना जल्दी से बेहतरीन जो नाला हो जाएगा हमारा। एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत आज नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने निकल पड़े हैं। आपको दिखा रहे गुसाई गेट पर पहुंच चुके हैं और वहां का जायजा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने शहर में पड़ी गंदगी के ढेर को उठवाने के लिए नगर परिषद के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। आज शहर के तमाम बाजारों का, शहर की प्रमुख सड़कों का निरीक्षण किया है, जहाँ भी उन्हें गंदगी दिखाई दी वहीं पर गाड़ी के ब्रेक लगा दिए और गंदगी को उठवाने के आदेश दिए गए। साथ ही आपको दिखा रहे हैं बाजार में दुकानों के बाहर मेज लगाकर बैठे दुकानदारों को मेज अंदर रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत, नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बाजार में किसी भी प्रकार की कोई भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और दिल्ली गेट पर बंद पड़े बरसाती नालों को सफाई के लिए ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर सफाई करवाई जाए, अब कहीं पर कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पुल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं गुसाई गेट पर। आपको बता दें कि हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अलावत आज नगर परिषद के अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ सड़कों पर हैं, बाजारों का निरीक्षण कर रहे हैं, कहाँ सड़क का कार्य चल रहा है वो भी देख रहे हैं, सफाई व्यवस्था भी देख रहे हैं, नालों की सफाई हो रही है नहीं हो रही ये भी देखा जा रहा है। आपको बता दें लगातार सक्रिय होने के बाद आज फिर से एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत को मार्केट में आना पड़ा, बाजार में आना पड़ा, मौके का मुआयना करना पड़ा, शहर में सफाई हो रही है या नहीं हो रही पूरी तरह से आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। एक बात बता देते हैं आपको, आज ये भी कहा गया है कि अगर कोई सफाई नहीं करता तो काम नहीं तो तनख्वाह नहीं, अगर ठेकेदार काम नहीं करता है, नालों की सफाई नहीं करता तो ठेकेदार की भी पेमेंट रोक दी जाएगी, उनका भी ठेके कैंसिल कर दिए जाएंगे। सड़क पर कोई घटिया माल लगाता है तो ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये बड़ी अपडेट दिखा रहे हैं हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत जा रहे हैं, ये तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरी तरह से निरीक्षण किया जा रहा है, नाले कहीं बंद भी पाए हैं, कहीं काम भी चलते पाए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी एसडीएम के जो कार्रवाई है उस पर कितना संज्ञान लेते हैं। अरे इतना नहीं, ये भी सुनने में आया कि नगर परिषद के कर्मचारी भी कई स्थानों पर काम भी करते हैं, जहाँ ठेकेदार को करना चाहिए वहाँ नगर परिषद के कर्मचारी कार्य करते हैं। ये हम दिखाने का काम करेंगे हांसी के एसडीएम सर, एक सेकंड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत, इनसे पूछेंगे आज फिर से ये बाजार में आए। सर सबसे पहले आपका हरियाणा पुल खोल न्यूज में स्वागत है जी। धन्यवाद ललित जी, मैं आपको आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, तीज की शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। सर क्या लगा आज मार्केट में, आपने देखा है कहीं नाले ब्लॉक भी पाए गए हैं, सफाई नहीं हो रही और कहीं पर काम भी चल रहा है। ललित जी एक जो है ना सफाई हम अभी करवा रहे हैं, नाले भी खुलवा रहे हैं और सफाई आप भी देख रहे पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन बेहतर से काम नहीं चलेगा, बेहतरीन से काम चलेगा, उसमें भी कुछ कमियां हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उसको जितना जल्दी हो उसके सारे शहर को अच्छे से साफ करवाया जाए। सर 25 लाख का सवाल, 25 लाख के मामला आने के बाद कहीं ना कहीं आप सक्रिय हुए हो। देखिए 25 लाख की जो बात कर रहे हो वो नालों की सफाई के लिए है और उसी के लिए मैं चेक करने के लिए आज निकला था, तो ये अभी काम भी चल रहा है और आज इनके जो दिन में इन्होंने काम किया अभी तक वो भी चेक किया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि काम जो है ना बेहतर होगा। सर सुनने में आया कि कुछ जगह ठेकेदार जो है वे नगर परिषद कर्मचारियों से काम करवा रहे हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे आज मैंने देखा तो उनसे पूछा भी कर्मचारियों से, तो उसने वो ठेकेदार के द्वारा ही लगाए गए थे। अगर आपको लगता है कहीं जो लगाए जा रहे हैं लगाए जाते हैं
तो आप हमें तुरंत बताइए, हम वहीं पर पहुंच के एक्शन लेंगे। फिर इसके अलावा सफाई व्यवस्था कितनी लग रही है आपको? सफाई व्यवस्था तो देखो हम तो कोशिश कर रहे हैं पूरी पूरी, बाकी तो शहर बताएगा सफाई कितनी हो रही है और कितनी नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास ये है कि सफाई अच्छे से हो। अगर ठेकेदार कहीं काम नहीं करता तो शायद उसकी पेमेंट रोक देंगे। अगर काम नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और उसे पेमेंट भी रोक देंगे। अरे तो आपने सड़क भी देखी है, निर्माण कार्य चल रहा है, सड़क बन रही है, उसके निरीक्षण भी किया आपने? हाँ, जो विजिबली जो देखने से जो प्रथम दृष्टया लग रहा है सड़क ठीक बन रही है, बाकी तो एक बार बनने के बाद पता चलेगा। और जो हम सैंपलिंग जो भेजते हैं काम के बीच में, उसके आने के पता चलेगा कि काम कैसा हुआ है। अभी ये घटिया माल नहीं लगने दिया जाएगा, सड़क सही बनवाई जाएगी। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो है काम अच्छे से हो और कोई भी जो है ना कार्य गुणवत्ता किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि राजम डॉक्टर जितेंद्र रावत डेली मार्केट में आए तो कहीं ना कहीं हाथी का और भी डेवलपमेंट सुधार हो सकता है, सब कर्मचारी सड़क पर आ सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। नहीं, मुझे उम्मीद यही है कि लोग बेहतर, हमारे जो कर्मचारी बेहतर कार्य करेंगे। एक बात और कही है आपने सफाई कर्मचारियों को लेकर भी, अगर कोई सफाई कर्मचारी काम नहीं करेगा तो उसकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये है कि जब तक काम तो कर रहे हैं सभी, लेकिन कई बार कोताही कर देते हैं। तो मान लो जैसे आज कोई एक दो पॉइंट थे, जैसे कटला रामलीला कटला वाला ग्राउंड था जो आपका, तो उनको ये कहा गया भी पहले इसको सफाई करो जब तक तनख्वाह रोक देंगे। अगर मान लो उसके आज शाम तक सफाई होती है, फिर तनख्वाह रोकने की जरूरत नहीं है। सर एक अमंटी झील का भी आपने निरीक्षण किया है, देखा है बहुत पुरानी हुई है, ऐतिहासिक है दिल्लीगढ़ की। अमंटी झील के पास भी जो नाला है उसका भी देखा था, तो उसका भी ये अभी टेंडर किया हमने, या क्या करेंगे, कर दिया टेंडर। तो उम्मीद है कि वहाँ भी जो है ना जल्दी से बेहतरीन जो नाला हो जाएगा, हमारा तैयार हो जाएगा। सौंदर्यकरण कैसे करोगे जी? सौंदर्यकरण के लिए हम देखते हैं उसे क्या कर सकते हैं अभी और कैसे व्यवस्था कर सकते हैं, उसे भी देखते हैं, कोई प्रयास करेंगे अवश्य। लोगों की आस है कि आप इस समय नगर परिषद के प्रशासक हो जी? हाँ, जो उम्मीद है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। ये थे हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है शहर में सफाई व्यवस्था अब पहले से बेहतर हो चुकी है, किसी प्रकार की कोताही अगर कोई कर्मचारी बढ़ता है तो उसकी तनख्वाह रोक ली जाएगी। और ठेकेदार के लिए भी एक आपको बता देते कह दिया है अगर नाला की सफाई कहीं नहीं हो पाई तो ठेकेदार का ठेका कैंसिल करवा दिया जाएगा। इतना नहीं, अगर कोई रोड पर घटिया सामग्री का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी अपडेट है हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारियों के साथ शहर में खुद जायजा ले रहे हैं। हरियाणा पोल खोल न्यूज के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट।